नमस्कार, आपका स्वागत है नॉलेज स्विच चैनल पे। आज का हमारा वीडियो है IR रिमोट कंट्रोल स्विच, जिसमें हमने 555 IC और 7474 IC का इस्तेमाल किया है। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें इन सभी कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। 5 वोल्ट SMPS आप मोबाइल चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। 7474 IC, 555 IC, 1 μ 16 V कैपेसिटर, 470 ohm रजिस्टर, 5 volt SPDT रिले, 4548 NPN ट्रांजिस्टर, TSOP 1738, 220 kΩ रजिस्टर, डायोड IN4007। IR रिमोट से आप घर के किसी भी CFL फैन को IR रिमोट कंट्रोल स्विच से ऑन कर सकते हैं। आप इसमें AC और TV का रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेन सप्लाई को 5 वोल्ट SMPS से कनेक्ट करेंगे, जो 220 वोल्ट AC है। उसके बाद 5 वोल्ट को 7474 के पिन नंबर 14 और 14 को प्रोवाइड करेंगे। सेम वोल्टेज IC555 के पिन नंबर 4 और 8 को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद TSOP को सेम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, जो TSOP के पिन नंबर 2 से कनेक्ट होगी। अब ग्राउंड का कनेक्शन 7474 के पिन नंबर 7 और TSOP के पिन नंबर 1 से होगा। इसके बाद सेम ग्राउंड का कनेक्शन 555 के पिन नंबर 1 से होगा। 555 के पिन नंबर 2 और TSOP के पिन नंबर 3 आपस में जॉइंट होंगे। ट्रिपल फाइव के पिन नंबर 6 और 7 आपस में शॉर्ट होंगे। कैपेसिटर 1 μ 16 V और रजिस्टर 220 kΩ का एक टर्मिनल और कैपेसिटर का एक टर्मिनल आपस में जॉइंट होगा, और इन दोनों का जॉइंट 555 IC के टर्मिनल 6 और 7 के साथ होगा। कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड और रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। IC555 और 7474 के पिन नंबर 3 आपस में कनेक्ट होंगे, और 7474 के पिन नंबर 2 और 6 आपस में शॉर्ट होंगे। इसके बाद रिले को ट्रिगर करने के लिए ट्रांजिस्टर 548 का यूज़ करेंगे, जिसके बेस का कनेक्शन 7474 के पिन नंबर 5 से होगा, जिसमें 470 ohm रजिस्टर सीरीज में होगा, और ट्रांजिस्टर के अमीटर को ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का कनेक्शन रिले के एक कोयल से होगा, और रिले के दूसरे कोयल को 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। ये 5 वोल्ट DC की फॉर्म में होगी। इसके बाद लोड को AC के न्यूट्रन के साथ कनेक्ट करेंगे, और रिले को लोड प्रोवाइड करेंगे, और हमारे अप्लाइंसेस का एक टर्मिनल रिले के NO से
कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जब रिमोट का पावर ऑन करते हैं तो अप्लाइसेंस हमारा बल्ब ऑन हो जाता है, उसके बाद ऑफ करने से बल्ब फिर ऑफ़ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक